हेलो गाइस, वेलकम टू माय सोशल मीडिया अकाउंट। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले वीडियोस को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियोस को एंड तक वॉच ज़रूर कीजिए। तो ये देख सकते हो गाइस, आप 2023 की सेकंड स्नोफॉल। तो गाइस, इस वीडियोस में मैं आपको घर से लेकर नारकंडा का स्नो ट्रैक दिखाऊंगा। तो गाइस, वीडियोस में एंड तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ अभी नारकंडा आते हो तो आपको चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ देखने को मिलेंगी, पेड़ों पे भी एंड आसपास भी काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल देखने को मिलेंगी। तो गाइस जी, ये आपको ही मैं अपना न्यू वाला घर दिखा रहा हूँ। तो गाइस जी, मेरा न्यू घर है, ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है और जो ये नीचे कुछ थोड़े छोटे छोटे ट्री दिख रहे हैं, तो गाइस जी एप्पल ट्री है। तो गाइस, मैंने पिछली वीडियो में भी एप्पल ट्री दिखाए थे। तो गाइस, जब हम नारकंडा जा रहे थे तो गाड़ी तो जा नहीं रही है, पिछली वीडियो में देखा भी होगा हमने, गाड़ी ले जाने की कोशिश की थी हमने बट जा नहीं पाई, तो हमने पैदल ट्रैक किया उसके बाद नारकंडा के लिए। तो अभी देख सकते हो आगे मेरे पापा और ब्रदर चल रहे थे। तो गाइस ये देख सकते हो, स्नो में हम ट्रैक कर रहे हैं नारकंडा के लिए, काफ़ी हैवी स्नो और काफ़ी फ्रेश स्नो है अभी तो। ये गाइस हमारे घर से शॉर्ट रास्ता है ऊपर, जहाँ से हाटू टेम्पल के लिए जाते हैं ना, वहाँ के लिए। तो गाइस अभी हम वहाँ पर निकलेंगे, तो गाइस वीडियोस में एंड तक बने रहिए। तो गाइस ये देख सकते हो, मेरे फादर और मेरा छोटा वाला भाई। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल है आर पार को, आपको आजकल मतलब हर जगह स्नो ही देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो पेड़ों पर कितनी ज़्यादा स्नो जमी हुई है, देख सकते हो आप खुद ही वीडियोस में। तो फ्रेंड्स, अब हम वहाँ पे पहुँच गए जहाँ से हाटू टेम्पल को जाते हैं। तो गाइस ये जहाँ से शॉर्ट रास्ता था मैं वो दिखा रहा था आपको, ये शॉर्ट रास्ता था यहाँ से। तो यहाँ से गाइस हाटू टेम्पल के लिए 6 किलोमीटर है और इस रोड पे भी अभी एक गाड़ी आई है, वो भी पता नहीं किसकी, और पहले से भी रोड बंद है, चारों से भी रोड बंद है। और जो गाड़ी आई है वो भी 4x4 ही आई है ओनली, बाकी कोई गाड़ियाँ नहीं आई है। तो गाइस इस रोड में जो बीसी रोड ऊपर को जाता है, यहाँ से हाटू टेम्पल के लिए जाता है ये रोड। ये देख सकते हो हाटू टेम्पल वाले रोड से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो गाइस ये जाता है मेरे विलेज के लिए रोड यहाँ से अंदर की ओर। तो गाइस यहाँ चाय मैगी वगैरह का स्टॉल है, तो यहाँ चेतावनी वगैरह पढ़ सकते हो। यहाँ पर बर्फबारी के कारण सड़क बंद है, जब भी यहाँ पर ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती है तो सड़क बंद होती है। और आप इस रोड में मतलब जो यहाँ से सिलीगांधरी बोलते हैं, यहाँ से हाटू टेम्पल तक जो भी ये रोड है, इस रोड में आप कहीं भी ड्रिंक करते हुए पाए जाए तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना पुलिस की ओर से रहता है, जब वहाँ पे पुलिस वगैरह होती है या कहीं देखा जाए आपको ड्रिंक करते हुए या पकड़ा जाए तो आप कभी भी इस रोड में ड्रिंक ना कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी नैरो है और काफ़ी ख़राब रोड है, इसमें गाड़ी चलाने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कई बार आते हैं लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं। तो ना प्लीज़ आप लोग इस रोड में कहीं ड्रिंक ना कीजिए। तो ये गाइस देख सकते हो आप, गाड़ी यहाँ पे ब्रेक मार जाए तो गाड़ी रुक नहीं रही, नेचुरली स्लिप हो रही है। तो गाइस बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा जम जाती है, जिस कारण से आजकल गाड़ियों को लाना और ले जाना काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो गाइस आप इस वीडियो में देख सकते हो, गाड़ी
आगे रिजॉर्ट के लिए जाने की कोशिश कर रही थी, बट जा नहीं पा रही क्योंकि बर्फ़ जमी है, तो गाड़ी चल की टायर खिंचाई नहीं कर पा रहे। ओनली यहाँ पे 4x4 ही चलती है, तो आप वीडियोस में देख सकते हो ये गाड़ी कोशिश, इसने बहुत कोशिश की जाने की बट ये जा नहीं पाए। तो मैं गैस आपसे भी यही कहना चाहूँगा, आप कभी आते हो नारकंडा तो मतलब आप जिस रोड में गाड़ी ना जा, गाड़ी बंद हो जाए ना, जाना बंद हो जाए, तो गैस ज़बरदस्ती ना करे गाड़ी के साथ। तो गैस ये भी नहीं जा रही थी, ये लोकल गाड़ी थी यहीं की, तो गैस ये धक्के मार के निकाली है।